बर्फीले पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाना, दुर्गम क्षेत्रों तक राजमार्ग पहुंचाना, बॉर्डर से बॉर्डर और दूर दराज के इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ना कठिन ही नहीं चुनौतीपूर्ण और साहसिक कार्य होता है। इस चुनौतीपूर्ण, साहसिक और असंभव काम को तकनीक, पारदर्शिता और क्षमता के तालमेल से पूरा करने एवं सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों और देश के सामरिक महत्वपूर्ण इलाकों के आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे को तेज गति से सशक्त और सुदृढ़ बनाने हेतु 18 जुलाई 2014 को शुरुआत हुई नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL की। नमस्कार, मैं नशरीन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम उपस्थित है कोडियाघाट बीच पर, जहाँ आज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक क्लीन ड्राइव करवाया जा रहा है। आज उनकी कोशिश यही रहेगी कि आज वे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ये बीच को जितना हो सके उतना स्वच्छ और सुंदर बना दे। स्वच्छता ही सेवा है और अंडमान एंड निकोबार एक पर्यटन स्थल है और इस द्वीप की सुंदरता इसके बालू तटों से और भी ज्यादा सुंदर दिखती है। तो वही हमारी कार्य है कि हम इस बालू तटों को स्वच्छ रखें और स्वच्छता के प्रति ध्यान केंद्रित करते हुए आज NHIDCL ने भी यहाँ एक क्लीन ड्राइव रखा है। वे ना सिर्फ नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड करते हैं, बल्कि ऐसे अच्छे और नेक काम के प्रति भी जागरूक है। तो आज भी इन्होंने यहाँ जो क्लीन ड्राइव रखा है, इससे पहले भी इन्होंने काफी ब्लड डोनेशन कैंप रखे थे, स्कूल जाकर बच्चों में अवेयरनेस भी फैलाया ट्रैफिक रूल्स को लेकर। और तो ऐसे अनेक अच्छे कार्य में अपना ये योगदान हमेशा ही देते आ रहे। तो इसी के कवरेज के लिए जो यहाँ पर आज क्लीन ड्राइव हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्लीन ड्राइव की ओर। तो आइए बात करते हैं NHIDCL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्रभात सर से, उनसे भी जानते हैं कि ये जो क्लीन ड्राइव उन्होंने कोडियाघाट बीच पे करवाया था, इसके बारे में वे हमारे जनता को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है कि यह सुरक्षा मंथ, सुरक्षा एवं सफाई मंथ मनाया गया है 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। तो इसमें हम लोगों ने सुरक्षा संबंधी तो ब्लड डोनेशन कैंप किया, इसके अलावा स्कूल में जाके बच्चों को ट्रेन किया और बाकी जितने भी है रोड पे पेम्पलेट बांटे गए, जिसमें कि वाहन धीमे चलाएं, हेलमेट पहन के चलाए हैं, शराब ना पिए हैं। उसके बाद आज अंतिम दिन हमने सफाई के लिए रखा था, जिसपे NHIDCL का स्टाफ, कॉन्ट्रेक्टर का स्टाफ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले हम लोग जब रोड से निकलते तो देखते थे कि इस कोडियाघाट बीच या जितने भी बीच है उनके किनारे गंदगी बहुत ज़्यादा है। पूरे पोर्ट ब्लेयर में आप जहाँ भी जाएंगे तो शाम को देखेंगे कि पूरा गंदगी से भरा रहता है। तो हम लोग ये समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जितनी सफाई रखें, जो हमारा इंटरनेशनल पोर्ट ब्लेयर रहता है या सारे इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट आते हैं, और इतना खूबसूरत बीच शायद दुनिया में 10 या 15 से ज़्यादा नहीं होंगे जितने खूबसूरत बीच या पोर्ट ब्लेयर में है। पर उनके किनारे डेली हजारों टूरिस्ट आते हैं जो कि गंदगी कर देते हैं, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें और दुनिया भर की गंदगी रहती है। तो इन सबको आज समुद्र से निकाल के हम एक यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, ये आपके सामने पड़ा हुआ जितने जो कचरों में हमने एक घंटे के भीतर निकाला है, और इसके बाद हम वीडियो दिखाएंगे कि इस वीडियो के बाद हमारा सी बीच कितना सुंदर हो गया, कितना साफ हो गया। सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल के सी बीच है, सभी के किनारे कैमरे लगा दिए जाएं, और अगर कोई गंदगी करता है तो फाइन किया जाए, जिससे कि हमारा विश्व लेवल पे जो बीच मेंटेन हो, अच्छा रहे। इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बहुत सहयोग मिला है, चीफ सेक्रेटरी जी को भी हमने बात की, कमिश्नर कम सेक्रेटरी नंदिनी पालीवाल जी ने भी हमें बाइट दी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देवेश श्रीवास्तव जी ने भी हमारे साथ बाइट दी है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी जाएं आप देश में, अपने दुकान में, अपने घर के सामने जहाँ भी हो, अगर आपको गंदगी मिलती है तो आप उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दें, ताकि हमारा समाज, घर और रोड आदि सब स्वच्छ रहे। इसी के साथ मैं अपना अंत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर ने बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक हमें एडवाइस दी है
कि ये जो बीचेस होते हैं इन्हें क्लीन नहीं रखा जाता है, जबकि एक पर्यटन स्थल है। यहाँ लोग ये बीचेस के वजह से आते हैं, बीच देखने के लिए आता है। अगर यहाँ आकर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी है, तो क्या उन्हें दोबारा इस जगह पे आने का दिल करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमें जो कचड़े है वे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। क्या हम अपने घर के अंदर में कचड़े फेंकते हैं? नहीं, तो फिर ये कचड़े हम रोड में क्यों फेंकते हैं? ये धरती हमारे लिए एक घर है, धरती माँ कहते हैं, और वहीं गंदगी फैलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियोस, इससे पहले भी काफी लोगों ने जो क्लीन ड्राइव करे, ये सारे वीडियोस देख के आप लोगों के अंदर एक जागरूकता आए कि कचड़े को कृपया कूड़ेदान में फेंके, अपने इर्द गिर्द ना फेंके, और अगर कहीं भी आपको कचड़ा दिखता है तो उसे उठाए और कूड़ेदान में डाले। बीचेस में एक सीसीटीवी कैमरा अगर लगाया जाए तो लोग डर के मारे शायद कचड़ा डस्टबिन में फेंकेंगे, यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस चीज पर गौर करेगी और ये पर्यटन स्थल को और भी खूबसूरत बनाएगी। अब हम बात करेंगे NHIDCL के जो मैनेजर फाइनेंस है अजय सर से, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वे जागरूकता को लेकर, जो आज भी हमारे समाज में नहीं है स्वच्छता को लेकर, उस विषय में हमारे लोगों को क्या आग्रह करना चाहेंगे। न्यूज अंडमान 24/7 के जो दर्शक है उनको मेरा नमस्कार। ये जो स्वच्छता का एक सिस्टम है जो अपने मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, तो इसमें मतलब ये सोसाइटी में धीरे धीरे ही चेंज आ पाएगा। हालांकि आना तो चाहिए कि जब वो कभी कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं तो डस्टबिन भी रहते हैं पास में, इंस्टेड कि वो डस्टबिन में फेंकने के बजाय अपने साथ में रख के अपने घर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो जिसको ज़रूरत होगी कचरे वाले को, वो खुद ही उठाएगा, हमें उठाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जब चेंज जो सोसाइटी में धीरे धीरे हमें ही लेके आना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे जितने भी जन खड़े हैं हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बट जब हम अभी सफाई कर रहे हैं तो हम में भी खुद ही चेंज आना चाहिए कि इंस्टेड कि ऐसे ही फेंक के जाने के बजाय उसको अच्छे से डस्टबिन में फेंक दो, जो अपनी गाड़ी में ही रख लो, बाद में जब अच्छी जगह सही जगह मिले वहाँ पर जाके फेंक सकते हैं। तो ये सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आएगा और हम अपना काम कर सकते हैं कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद कोई ना कोई इवेंट से ये सफाई वगैरह करवा सकते। बात करते हैं प्रीति मैम से, उनसे भी जानते हैं कि वे इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी आपने काफी सारे कैंप्स करवाए, ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, बच्चों को जागरूक किया ट्रैफिक रूल्स के बारे में, अवेयर किया उनको, और आज हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर क्लीन ड्राइव कर रहे हैं और शायद इसे देख कर लोग और भी जागरूक होंगे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, स्वच्छता जो है वो मतलब जितने भी लोग हैं उनको अपने आप से सोचना चाहिए। अगर हम अपने आप से अगर क्लीन रखेंगे तो हर चीज़ जगह क्लीन रहेगा, ताकि सी बीच नहीं है, ताकि वो अपने घर भी हो जाए, आस पड़ोस भी हो जाए, ताकि ऑफिस भी हो जाए। तो इसी लेके हम कहीं भी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हमें कूड़े दिख रहा है तो उसे डस्टबिन पर ही डालना चाहिए, ताकि हम कैंप तो करते हैं लेकिन कैंप एक दिन करने से नहीं होता है। हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, अगर हम किसी को देख भी रहे कि कूड़े अगर डस्टबिन पर नहीं डालते हैं, बाहर की ओर डालते हैं, तो उसे हमें उन्हें बताना चाहिए, सेम टाइम ही बताना चाहिए। इससे क्या उनको भी पता रहेगा, ताकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम एक दिन कैंप कर लेते हैं लेकिन बाकी सारे दिन हम ऐसे ही कूड़े फेंक देते हैं, वो सारे समुद्र से फिर वापस ही आ जाता है, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हमें वही कैंप करना पड़ रहा है। NHIDCL के डिप्टी जनरल मैनेजर से, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे इस विषय में आज हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। Leave the planet cleaner for our future generations. And it's everyone should feel responsible as if the road is ours, the beach is ours. We should be motivated to keep the surroundings clean as equally as our home. Those who are coming to the beach should not throw this litter, water bottles, water caps into the beach. They should responsibly carry it with them to their home and they should dispose it of properly. So everyone should be responsible. तो अब बात करते हैं सुनील भास्कर जी से, IT मैनेजर से, उनसे भी जानते हैं कि वे इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद। मैं पहले तो अंडमान की जनता को नमस्कार करना चाहूंगा। ये हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी जो रोड सेफ्टी मंथ के अंदर में आती है, कि स्वच्छता ही सेवा है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे थे तो हमारे हाथ में कभी कभी कांच के बॉटल आ रहे थे, कभी ऐसे, तो ये एक जैसे जानवर होते हैं, जानवर भी बीच पे आके कभी कभी ये कांच उनके मुंह में चला जाता है खाना खाते समय। तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, साथ में अपना भी नुकसान कर रहे हैं। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छता ही सेवा है,
और ये मेरी पूरी टीम है, हम सबने मिलकर आज सेवा है। तो बस हम सबने आज छोटी सी मुहिम करी और हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मेरी नजरों में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप मन से करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। तो मैं तो सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में पता चले तो आप सब भी आइए और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, क्योंकि आपका शहर है, आप जितना सुंदर बनाएंगे उतना सुंदर बनेगा। आज का क्लीन ड्राइव बहुत ही अच्छा और स्वच्छ रूप से हुआ। आप अगर बिफोर और आफ्टर की इमेजेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि NHIDCL ने किस हद तक अपनी मेहनत से इस बीच को स्वच्छ किया है। उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार के काम के प्रति जागरूकता रखे और ऐसे अच्छे अनेक कार्य और भी करते रहे। अंत में ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देश का विकास होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 से नमस्कार।